आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके किसके बारे में कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का महत्व क्या क्या है, उसकी कितनी ब्रांच है। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए थे किसके बारे में, द्रव्य के बारे में, द्रव्य या पदार्थ के बारे में। उसका वर्गीकरण स्टार्ट किए थे और दो प्रकार से वर्गीकरण कर दिए थे, ठीक है, शुद्ध पदार्थ किए थे और दूसरा क्या था आपका, हाँ मिश्रण था, क्या था, हाँ शुद्ध पदार्थ और क्या था, हाँ मिश्रण में आया था, ठीक है। चलो उसके बाद शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, दो भागों में, तत्व और यौगिक। तत्व को कितने भागों में, तीन भागों में, धातु अधातु और उपधातु, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद यौगिक था, यौगिक के बारे में डिटेल पढ़े थे, यौगिक के बारे में भी कितने प्रकार का होता था बोला था, दो प्रकार का, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, मिश्रण के बारे में, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, क्लियर है। मैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर याद करने के लिए बोला था, लिखने के लिए बोला था, और दूसरा याद करने के लिए बोला था मिश्रण और यौगिक में अंतर, क्लियर है कि नहीं। ये सब थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट हो गया था। अब आज हम लोग शुरुआत करेंगे ध्यान से समझना परमाणु और अणुओं के बारे में। परमाणु और अणुओं के बारे में ध्यान से समझना, कुछ अलग अलग वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जैसे कि सबसे छोटा इकाई जो रहता है, कोई भी तत्व है वो जिससे मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। इसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत करके भी बोला जाता है, डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो तुम्हारा कोई भी तत्व है उसको यदि मैं छोटे 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 टुकड़ों में काटते जाऊं तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि उसको उस कण को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, और वह जो अविभाज्य कण है जिसको और विभाजित नहीं कर सकते उसी को ही हम लोग बोले क्या, परमाणु। क्या बोले, परमाणु। ये सब बेसिक तो जानते हो। और इसी को महर्षि कनाथ का कणिका सिद्धांत भी बोला जाता है। हमारे जो इंडियन सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी में क्या हुआ था, महर्षि कनाथ नाम के का ऋषि थे। महर्षि कनाथ का नाम कनाथ क्यों पड़ा, क्योंकि वो डायरेक्ट फसल जो रहता था, काटे हुए फसल से अनाज ग्रहण नहीं करते थे, वो खेतों से जो अनाज गिरा हुआ रहता था खेतों में उनको इकट्ठा करते थे, कणों को, ठीक है ना, और उन कणों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। इस कारण उनका नाम पड़ा महर्षि कनाद। तो महर्षि कनाद ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था, क्लियर है। तो उसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ना बोलकर क्या बोलना चाहिए, महर्षि कनाद का कणिका सिद्धांत। लेकिन हेर फेर तो हुआ है हमारे हिस्ट्री के साथ, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको सत्य पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज किसके बारे में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। लेकिन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जानने से पहले छोटा सा परिभाषा कि परमाणु क्या होता है, ठीक है ना। परमाणु किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, आपका परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। यहां तक समझ आया कि नहीं। और दूसरा होता है आपका क्या, अणु। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक समान अथवा असमान परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, ना कि परमाणु, ठीक है ना। लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रियाओं में या कोई भी रिएक्शन में, अभिक्रियाओं में अणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, अणु भाग लेते हैं, यानी कि ये जो परमाणु है इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता जी, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्लियर है ना। तो ये एकदम बेसिक है क्या तुम्हारा, परमाणु का और दूसरा अणु का, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन बस लिखा हूँ मैं तो क्या है, परमाणु, लेकिन H2 करके लिखा तो ये क्या है, आपका अणु है। समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही मान लो मैं ऑक्सीजन बस करके लिखा तो ये क्या है, परमाणु, लेकिन O2 करके लिखा तो वो क्या है, अणु है। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे नाइट्रोजन बस करके लिखा हूँ, इधर क्या लिख सक रहा हूँ, N2 लिख रहा हूँ, यहाँ NH3 करके लिख रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अणु ही तो है। ये देखो दोनों समान है और ये दोनों क्या है, असमान है, क्लियर है कि नहीं। तो ये होता है आपका अणु और एक होता है कि आपका परमाणु, क्लियर है।
परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेता, लेकिन जो अणु रहता है ठीक है ना, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, क्लियर है? अब परमाणु जो था ठीक है ना, इसी को समझाने के लिए डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक आया और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1808 में, ठीक है? चलो लिखो, हेडिंग डालो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कौन सा सन बोल रहा हूँ, 1808, ठीक है ना? इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला कण देखो, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से, द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट ये है, कोई भी जो द्रव्य है या पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका परमाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया? दूसरा, एक ही तत्व के सारे परमाणु, एक ही तत्व के सारे परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, एक ही तत्व के सारे परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि उसका जो आकृति, आकार, आयतन अर्थात उनकी इनकी आकृति, आकार, आयतन, ये सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, इसका आकार, आकृति, आयतन, ये सभी के सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है? जैसे कि देखो, हाइड्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन हमारा एक तत्व है, तो हाइड्रोजन जिन से मिलकर बना है, जैसे ये छोटा सा डॉट है, ये डॉट को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जैसे कि ये एक ऐसा बनाया डॉट, ये ऐसा है डॉट ना, ठीक है, ये क्या है, इसका एक परमाणु है, क्या है, इसका एक परमाणु है, तो ये जो तत्व है ना, इसमें जितना भी रहेगा सब सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, जितना भी अणु रहता है वो क्या रहता है, आपका समान रहता है, क्या रहता है, समान रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं, एक ही तत्व के सारे परमाणु जो रहेंगे वो क्या रहता है, समान, उसका आकृति भी समान, उसका आयतन भी समान, ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या होता है, समान। लेकिन याद रखना, ये पॉइंट भी क्या हो गया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत में गलत हुआ, क्लियर है ना, आधुनिक परमाणु सिद्धांत में क्या हो गया था, गलत। कैसे गलत हुआ था, आधुनिक परमाणु सिद्धांत में देखेंगे, पहले तो नॉर्मल समझ आया कि नहीं, एक ही तत्व है, वो जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसको क्या बोल रहा है, परमाणु, ठीक है, और क्या बोल रहा हूँ, एक ही तत्व के जितना भी परमाणु रहेगा, जैसे हाइड्रोजन है तो वो जितने परमाणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन तत्व है, मान लो जितने परमाणुओं से मिलकर वो बना है, तो सब के सब जो परमाणु रहेंगे उनका आकार, आकृति, आयतन, जितना भी गुणधर्म है वो क्या रहता है, समान। कौन बोल रहा है, डाल्टन का नियम, किसका नियम, डाल्टन का नियम। अच्छा, तीसरा देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वह उनके गुण भी, वह उनके गुण भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते, अलग अलग होते हैं, क्लियर है ना। जैसे कि ध्यान देना, मैं ये इसका बोला हूँ, मैं हाइड्रोजन का, मान लो मैं ऑक्सीजन का बोलूँ, तो ऑक्सीजन का जो है, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन का मान लो ये परमाणु है, वो इस तरीके से, हाइड्रोजन ध्यान देना, ऑक्सीजन का परमाणु इस तरीके से है, और ये तुम्हारा मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्या है, इस तरीके से है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो, ये अलग है, ऑक्सीजन का परमाणु वो अलग टाइप का है, और नाइट्रोजन का परमाणु है वो अलग टाइप का है, ये बोल रहे हैं तीसरा स्टेटमेंट, यानी अलग अलग तत्व है तो उसका परमाणु भी क्या होगा, अलग अलग। हाइड्रोजन का देखो पूरा अलग, ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, और एक ही तत्व है तो उसके जितना भी रहेगा वो सब के सब क्या रहेंगे, समान। जैसे ऑक्सीजन बस कहते हैं देखो सब हरा हरा ही तो रखा हूँ, या नाइट्रोजन का देखो सबको रेड रेड रखा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये कहानी, तीन पॉइंट समझ आया कि नहीं, तीनों के तीनों पॉइंट। चौथा देखिए क्या, ठीक है, अच्छा,
चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान समझना जी, ठीक है। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी, जो तुम्हारा ध्यान समझना, ठीक है, परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, लास्ट पॉइंट है, कोई भी जो परमाणु है, ठीक है ना, परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कितना पॉइंट में, पांच पॉइंट में, क्लियर है। अब ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इसका कुछ कुछ सीमा था, मतलब हाँ कि इसमें क्या क्या कमी था, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या आ जाएगा, कमी या फिर सीमाएं करके आएगा, क्लियर है कि नहीं। चल शुरुआत करें, क्या लिख लिए, चलो मिटा दो इसको। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का सीमा, ठीक है, द्रव्य के नियम करके तुम लोग क्या देखोगे, एक टॉपिक देखोगे, ठीक है ना। पांच प्रकार के द्रव्य के नियम रहते हैं, द्रव्य रासायनिक संयोग के नियम करके आएगा, ठीक है ना, एक टॉपिक चलेगा, उसमें पांच नियम के बारे में पढ़ेंगे, हो सके तो कल पढ़ेंगे, कल या परसों में, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्या होता है, जो प्रथम चार संबंध रहते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें तुम्हारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहता है, स्थिर अनुपात का नियम रहता है, गुणित अनुपात का नियम रहता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रहता है, चार नियम भार से रिलेटेड रहते हैं, और ध्यान देना एक नियम जो रहता है वो गैसों के आयतन से रिलेटेड रहता है। टोटल कितना रहता है रासायनिक संयोग का नियम, पांच। पांच में से शुरुआती जो चार रहते हैं वो कैसा संबंध दिखाते हैं, भारात्मक, यानी कि वेट से रिलेटेड है, ठीक है। और एक नियम जो रहता है वो क्या रहता है, गैसों के आयतन से संबंधित नियम रहता है। तो डाल्टन का जो ये परमाणु सिद्धांत था ना, वो केवल और केवल प्रथम चार नियम को समझाने में सफल रहा, लेकिन जो लास्ट पांचवा नियम था उसको समझा नहीं पाया, क्लियर है कि नहीं। तो इस कारण ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। तो सबसे पहला तो लिखो, चलो ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों को लिखो लिखो लिखो, इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियम को भारात्मक रूप से समझाया जा सकता है, परंतु गैसीय आयतन का नियम, गैसीय नियम, गैसीय आयतन संबंधी नियम गेलुसाक का नियम बोलते हैं जिसको, को समझाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है, क्लियर है। यानी कि शुरुआत का जो चार नियम है, कौन कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और कौन सा नियम है तुम्हारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम था क्या, गुणित अनुपात का नियम, और चौथा है आपका कौन सा नियम,
व्युत्क्रम अनुपात का नियम, कौन सा नियम? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये चारों को समझाया जा सकता है, क्लियर ना। लेकिन जो गे-लुसाक का नियम है, गे-लुसाक का नियम, जो कि कैसा नियम है? आयतन संबंधी नियम है। कैसा नियम है? आयतन संबंधी नियम है, आयतन से रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। इसको समझाया नहीं जा सका, क्लियर है? यहाँ तक समझ आएगी नहीं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, चार नियमों को डाल्टन का सिद्धांत समझा पाया, लेकिन ये जो पांचवा था उसको समझा नहीं पाया। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा थ्योरी देखो डाल्टन का, ठीक है। यह सिद्धांत यह समझाने में असमर्थ रहा कि समान या भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु या संयुक्त परमाणु का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। क्या बोला हूँ, ध्यान समझो। यह सिद्धांत यह समझाने में असमर्थ रहा, यह समझाने में क्या रहा? असमर्थ रहा, असमर्थ रहा कि समान अथवा असमान प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करके अणु कैसे बनाते हैं, संयोग करके अणु या फिर क्या बोलते हैं, संयुक्त परमाणु, अणु या संयुक्त परमाणु कैसे बनाते हैं। जैसे देखो, यह हाइड्रोजन का एक अणु है, यह हाइड्रोजन का दूसरा अणु है, यह हाइड्रोजन का एक अणु है और यह हाइड्रोजन का दूसरा अणु, तो ये दोनों का जुड़ा तो संयुक्त रूप से अणु बन गया। या फिर ऐसा हुआ, एक नाइट्रोजन है और तीन क्या है, हाइड्रोजन, ये आपस में जुड़े और NH3 एक अणु का निर्माण कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? अलग अलग, तो ध्यान से समझो, ये जो डाल्टन का सिद्धांत था, ये दोनों आपस में जुड़ा कैसे और इस प्रकार से अणु को कैसे बनाया, इसके बारे में समझा नहीं पाया, क्लियर है कि नहीं। यानी कि अणु के बनने की कैसे बना जाएगा, अणु कैसे बनता है, इसके बारे में समझा नहीं पाया, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, लिखो, चलो नेक्स्ट। यह सिद्धांत तत्वों के द्रव्यमान आकार और संयोजकता में भिन्नता स्पष्ट नहीं कर पाया। तत्व है, ठीक है, तो उसका क्या, द्रव्यमान, ठीक है ना, उसका आयतन और क्या, संयोजकता, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया, क्लियर है। किसमें, किसमें? द्रव्यमान में ना, आयतन में ना, संयोजकता में, क्लियर है। साथ ही साथ ये ध्यान से देखना, परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल होगा, तो कौन सा आकर्षण बल होता है, इसके बारे में भी बता नहीं पाया। मतलब परमाणुओं के मध्य में उपस्थित आकर्षण बल के बारे में, आकर्षण बल के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है ना। कोई भी, जो ध्यान देना, कोई भी परमाणु है तो उसके मध्य में जो आकर्षण बल लगता है, जिसके फलस्वरूप वो किसका निर्माण करता है, अणु का, तो उसके बारे में भी ये सिद्धांत बताया नहीं, क्लियर है। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, यानी कि एक परमाणु परमाणु के मध्य में जो आकर्षण बल लग सकता है या अणुओं के मध्य में आकर्षण बल लग सकता है, इसके बारे में नहीं बता पाया। और सबसे ज्यादा एमपी पॉइंट, परमाणु व अणु में विभेद नहीं कर पाया, क्या क्या अंतर हो सकता है एक परमाणु और अणु में, ठीक है ना, उसमें विभेद स्पष्ट नहीं कर पाया, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका डाल्टन का सिद्धांत और उसका कमी, क्लियर है। पेपर में त्रैमासिक में श्योर है कि आता ही आता है, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए, वह इसकी कमियां बताइए, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी बताइए, दो नंबर या तीन नंबर, क्लियर है। पांच नंबर चार नंबर का कहानी तो बनेगा नहीं। चलो समझ आ गया, आगे बढ़े क्या? तो ये हो गया आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसका पॉइंट्स, ठीक है। सबको याद रखना है, कितना कितना पॉइंट, कम से कम चार चार, ठीक है, चार कमी और चार उसका सिद्धांत, क्लियर है। मिटा दूं क्या? नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, जो कि वैलिड है अभी के डेट में, क्लियर है। शुरुआत करते हैं आप किसके बारे में,
आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है उसको सर जे जे थॉम्सन है, ठीक है, रदरफोर्ड है, नील्स बोर है, ठीक है ना, ये सभी जो वैज्ञानिक थे ना उन्होंने अपने अपने खोज के आधार पर विकसित किया। क्लियर है कि नहीं? कौन कौन से वैज्ञानिक बोल रहा हूँ ध्यान देना, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, बहुत सारे वैज्ञानिक आ जाएंगे इसके अंतर्गत। कौन कौन वैज्ञानिक, जैसे कि रदरफोर्ड है, नील्स बोर है, नील्स बोर है सर, जे जे थॉम्सन है, जे जे थॉम्सन, ठीक है ना, इत्यादि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने खोज किया, कुछ कुछ खोज किया और खोज के आधार पर विकसित किया, खोज के आधार पर विकसित किया, ठीक है ना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? चलो शुरुआत करें क्या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पहला पॉइंट है परमाणु अविभाज्य नहीं है, पहला पॉइंट परमाणु अविभाज्य नहीं है। मतलब अभी तक क्या बोला जाता था, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन ये साइंटिस्ट आया और वो बोले कि नहीं इसको विभाजित हम लोग कर सकते, ये अविभाज्य नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग किसमें किसमें तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन में तोड़ सकते हैं, न्यूट्रॉन में, मिसॉन में तोड़ सकते हैं, पॉजिट्रॉन में तोड़ सकते हैं, समझ आ रहा है नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कणों में तोड़ सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, क्लियर है ना, एक परमाणु का संरचना कैसे कैसे होता है तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। यानी सौ बात का एक बात परमाणु अविभाज्य नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं होते, ठीक है ना, वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान हो भी सकते हैं वा नहीं भी, ठीक है ना। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सेम टू सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसी के आधार पर तो समस्थानिक समभारिक का खोज किया गया था, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कार्बन होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन कार्बन ही तो है, लेकिन कार्बन 12 वाले का परमाणु कुछ अलग है, कार्बन 14 वाले का परमाणु कुछ अलग है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखो, ठीक है। हाँ, दूसरा को समझ नहीं आया, अच्छा तीसरा क्या हो गया, चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। परमाणु अविभाज्य नहीं है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। अच्छा याद रखना, भिन्न भिन्न तत्वों के जो द्रव्यमान है वो समान हो सकते हैं, क्लियर है ना। वो क्या बोलता था, एक ही तत्व है, ठीक है ना, एक ही तत्व है तो उसका भार वगैरह समान रहेगा, लेकिन अलग अलग तत्व सबका भार क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना, भार क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। तो वही चीज लिख रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, क्लियर है। ये क्या बोलता था, अलग अलग तत्व है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग, पहला वाला थ्योरी जी। और ये बोल रहा है कि नहीं, अलग अलग नहीं, समान भी हो सकता है, क्लियर है ना। जैसे कि पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक क्या है, 19, कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक कितना है, 20, लेकिन पोटेशियम जो रहता है उसका परमाणु भार भी 40 है, कैल्शियम है उसका परमाणु भार भी क्या है, 40। पोटेशियम का जितना भी परमाणु है वो तो अलग अलग प्रकार का होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन देखो परमाणु भार तो समान है, इसका भी देखो परमाणु भार क्या है, समान है, और इसका उधर देखो, यानी कि ये किसको डील कर रहा है, समभारिक को, किसको डील कर रहा है, समभारिक को, समभारिक के बारे में बता रहा है, जिनका परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, दो तत्व जिनका परमाणु भार क्या हो, समान, उसको क्या बोलते हैं, समभारिक। और दूसरा होता है समस्थानिक, ये किसको डील कर रहा है, समस्थानिक को, यानी कि एक समस्थानिक के बारे में बता रहा है और एक किसके बारे में बता रहा है, संभारिक, क्लियर है ना। यानी कि ये बोल रहा है कि एक ही तत्व जो रहेगा उसका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकता है, कार्बन 12, कार्बन 14, समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके अभी बताया था उदाहरण, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहला परमाणु अविभाज्य नहीं है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान हो भी सकते हैं और नहीं भी, अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, परमाणु अविनाशी नहीं है, परमाणु ऐसा नहीं है कि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो बोल रहा था लास्ट पॉइंट बोल रहा था ना, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, अरे भाई नष्ट कर सकते हैं, ये बोल रहा है
परमाणु अविनाशी नहीं है, परमाणु को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। क्लियर है, परमाणु अविनाशी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, चलो। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ये पॉइंट तो सेम टू सेम है, डाल्टन भी बोला था और ये भी बोल रहा है। क्लियर है ना, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले सकता है, लेकिन ज्यादातर भाग कौन लेता है? अणु भाग लेता है। कौन लेता है? अणु। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए है? डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद क्या पढ़े? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारा जो कमी था उन सभी कमी को कौन दूर किया है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब उसके बाद जो कल क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे किसके बारे में? एटम्स के बारे में। ठीक है ना, प्रॉपर यानी जो परमाणु है उसका परमाणु भार क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक कैसे होता है, परमाणु भार का गणना कैसे किया गया, परमाणु भार को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, डाल्टन भी उसका यूनिट होता है, उसको ग्राम में भी लिखा जा सकता है, एएमयू में भी लिखा जा सकता है। और उसके साथ हम लोग बहुत सारा टॉपिक सीखेंगे। ठीक है ना, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब कल परमाणु भार के ऊपर ही डिटेल करेंगे। और उसके साथ ही कल आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे किसका? मोल कॉन्सेप्ट का। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।